क्लास एट मैथमेटिक्स. आई एम आर एस प्रसाद सर. टुडे योर चैप्टर इज ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स. सो लेट अस स्टार्ट इन दिस चैप्टर व्हाट इज हियर. सो फर्स्ट, इफ एक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर दैट इज द पी अपॉन क्यू. एवरी नंबर दैट इज पी अपॉन क्यू, जो भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दे आर रेशनल नंबर, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू एंड पी इज एनी नंबर. नाउ द फर्स्ट, x प्लस वाई इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, मतलब उन दोनों को एड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा. x माइनस वाई इज ऑल्सो रेशनल नंबर. नाउ x इंटू वाई इज ऑल्सो रेशनल नंबर एंड x डिवाइडेड बाई वाई इज ऑल्सो रेशनल नंबर, वेयर y नॉन जीरो. सेकेंड नंबर, इफ x एंड y आर टू रेशनल नंबर, देन x प्लस वाई इजकल टू वाई प्लस x, x इंटू वाई इजकल टू y इंटू x, x माइनस वाई डज नॉट इजकल टू y माइनस x, एक्सेप्ट x इक्वल टू y. ये ध्यान रखना है आपको, जब तक x y के इक्वल ना हो तब तक ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है. नाउ कम टू द फोर्थ, दैट इज द x डिवाइडेड बाई y डज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x, एक्सेप्ट when x इक्वल टू y एंड x डज नॉट इक्वल टू जीरो, y डज नॉट इक्वल टू जीरो. ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है रेशनल नंबर. नाउ कम टू द थर्ड वन, इफ x y z आर द थ्री रेशनल नंबर, देन x प्लस y, ये ग्रुप इसका चेंज कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एक बार x प्लस वाई को एक ग्रुप में ले रहे हैं और फिर y प्लस जेड को दूसरे ग्रुप में ले रहे हैं, तो भी इसका एडिशन चेंज नहीं होता है. ऐसी मल्टीप्लीकेशन में है, x इंटू वाई का ग्रुप जो है अगर z से मल्टीप्लाई करें तो x का y और z के ग्रुप से मल्टीप्लाई करें तो सेम रहता है. नाउ x एंड y एंड z आर द थ्री रेशनल नंबर, देन x इंटू वाई प्लस जेड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड. यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो x इंटू वाई माइनस जेड, तो x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड. नाउ फिफ्थ, इफ x इज एनी रेशनल नंबर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑलवेज नंबर रिमेंबर, x में अगर ऐड करें जीरो तो जीरो में x करें तो सेम ही रहता, चेंज नहीं होता. x में से अगर जीरो माइनस करेंगे तो भी सेम रहेगा, डज नॉट चेंज. लेकिन x की मल्टीप्लाई अगर जीरो से करते हैं तो जीरो हो जाता है, या जीरो की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो जीरो हो जाएगा. x की मल्टीप्लाई वन से करें या वन की x से करेंगे मल्टीप्लाई तो x ही रहना है, x को डिवाइड करें वन से तो भी हमारे पास x ही रहता है. सिक्स नंबर, इफ x इक्वल टू p अपॉन q इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब जीरो नहीं है, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स x इज वन अपॉन x q अपॉन p होगा, इज ऑल्सो रेशनल नंबर, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज द सेवन, डिवाइडिंग अ रेशनल नंबर x बाई अनदर रेशनल नंबर y इज द सेम एज द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइंग x विद द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ y. हाउ कैन से, यू कैन से हियर x अपॉन y डिवाइडेड बाई x a अपॉन b, सो इट इज द x y इंटू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, दैट इज द a अपॉन b, सो x अपॉन y इंटू b अपॉन a हो जाएगा. मतलब आपको ये देखना है x अपॉन y है और इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, a अपॉन b से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये x अपॉन y इंटू b अपॉन a हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा ये. चलिए, और यू कैन से डिवाइजर डिवाइडेड बाय डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू रेसिप्रोकल और डिविडेंड. नाउ एट, इन एडिंग आर टू रेशनल नंबर, इन एडिंग द टू रेशनल नंबर वी कन्वर्ट देम इंटू कॉमन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन एंड देन एड देम. सबसे पहले इसका कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे तब करेंगे एड. नाइन, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं. नंबर टेन, इफ वी हैव टू रेशनल नंबर विद इक्वल डिनोमिनेटर्स, देन वी कैन इजिली फाइंड द रेशनल नंबर हुज नंबर इज वन लेस देन एंड डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमरेटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी? सो सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. यहां पर यह रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन जब इसको एंड करते हैं तो ये 9 अपॉन 7 आ रहा, 5 अपॉन 7 प्लस 4 अपॉन 7 इट बिकम्स 9 अपॉन 7, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर ही हो गया. तो ध्यान रखना, रेशनल नंबर
कि एडिशन पे भी रेशनल नंबर ही आता है एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स रिमेन सेम इफ द अदर ऑफ देयर एडिशन इज चेंज. This property is called as commutative property of addition in rational numbers. So you can see here, P upon Q में अगर add करते हैं R upon S, तो R upon S में P upon Q को add करने पर same रहता है, change नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको. Order change करने पर भी ये change नहीं होता है. That is the commutative property. Now come to the next property. That is the associative property. वो भी मिलती जुलती है उसी से property. So you can say in एडिशन थ्री रेशनल नंबर्स इफ वी एड थर्ड नंबर टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स वी गेट सेम वैल्यू एज वी ऑब्टेन व्हेन वी फर्स्ट एड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर. दिस रूल इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर. यहां देखिए, ये पहले ये वाला ग्रुप लेकर के एड कर रहे हैं इसके साथ, तो अब ये ग्रुप चेंज कर दिया है ना, तब ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों सेम ही रहते हैं. सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. हाउ कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 18.1. सो ऐड दिस वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट 3/2 प्लस 13/17. तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है. सो 3 × 2 × इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वल हो जाएगा, और ये 13 है और 17 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे. कैसे? 17 × 3 = 51 एंड इट इज 34 प्लस इट इज 26/34. बोथ आर सेम, सो यू कैन ऐड दिस 6 and 1 = 7 एंड हियर 5 and 2 = 7. तो 7/34 इज योर आंसर. So you have to write this type. Now come to the third question. It is your third question. It is the -7/9 and +-3/4. Adding करना है हमें, तो कितना हो जाएगा ये? इसके सबसे पहले इसको denominator को change करना है, तो -7/9 है, इसको 4 से multiply कर दो. And here is minus की multiply plus से करेंगे, minus हो जाएगा. So minus है, 3/4 है, इसको multiply करिए 9 से. So it becomes minus how much? It is 28 and it is 36. Minus it is 27/36. अब ये add हो जाएगा, दोनों का minus है, तो minus 7 रहेगा, तो 8 and 7 that is 15. 2 × 4 = 15/36. So that is your answer. Now come to this one. It is 3/4 plus -2/5. सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो वी कैन से 4 × 5, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2/5 है, ये माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस बन गया है. तो अभी क्या करना है मल्टीप्लाई, इसको 4 से कर दें, तो दोनों तरफ 4 से करने पड़ेंगे, तो 4 × 5 जा देखो 20 हो गए, तो 5 × 3 = 15/20 -4 × 8/20. अब सेम हो गया, सो 15 - 8 That is the 7. 7/20 is your answer. Now come to that. Use the commutative property to fill the following blanks. Commutative property में इनके order change हो जाते हैं. So 4/7 को पहले लिख दिया है, तो बाद में क्या लिखेंगे? -5/9. So that is your answer. Now here -11/29 है, plus का 6/31 है. इसका order change कर दीजिए, तो 6/31 पहले लिख लेंगे, -11/29 बाद में लिखेंगे. ओके, नाउ कम टू द थर्ड. ये माइनस का 15/7 है और यहाँ पे प्लस है, तो ये 13/19 तो यहाँ आ जाएगा, और इसका ऑर्डर चेंज करके माइनस का कितना हो जाएगा, -15/7 हो जाएगा. यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें भी ऑर्डर भी चेंज करना है. ये पहले लिखा गया तो 5/6 बाद में रहेगा. तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स आंसर हो गया. आई थिंक आप लोग कर लेंगे. थर्ड में देखिए, सो दैट दिस वन विच प्रॉपर्टी इज योर्स. पहले इसको सो करना है कि ये करेक्ट है, तो सबसे पहले देखते हैं, माइनस का 2/5 है, प्लस 4/9 है, और इसके साथ कितना लेना है, प्लस का -3/4. चलिए पहले इसको देखते हैं एड करके कैसे होगा.
माइनस पहले क्या करना है, नीचे वाले को इक्वल करना पड़ेगा हमें, तभी ऐड कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू दिस वन, ब्रैकेट को सॉल्व करना है यहां पे, सो 2/5 है यहां पे, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे इसको, प्लस यहां 4/9 है, तो नो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 9 से मल्टीप्लाई करना था, इसको 5 से करना है मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं क्या हुआ, और ये प्लस का -3/4 ऐसे रखते हैं, तो देखते हैं सॉल्व करके कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया, 18/45 एंड प्लस 4 2 4 20 हो जाएगा, 4 5 9 5 45 एंड प्लस माइनस का 3/4 है, तो ये कितना बच जाएगा, दोनों इक्वल हो गया, तो ऊपर से 2 बच गया, तो 2/45 और ये माइनस का 3/4 हो जाएगा, इसमें भी 45 लाना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वल करना है, जिससे इक्वल होकर के बिल्कुल इक्वल बन जाए, डिनोमिनेटर को इक्वल करने हैं, सो 2/45 इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ऊपर नीचे दोनों, एंड -3/45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4/45। चलिए देखते हैं क्या हो गया, 4 2 8 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 180, माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 एंड 3 4 12 एंड 113/180। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 135 में से 8 माइनस कर दिए, तो माइनस का बचेगा कितना, 127/180। सो दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन सी हियर, बट आई वांट टू सॉल्व द राइट हैंड साइड आल्सो, सो इट इज द -2/5 प्लस 4/9 एंड -3/4। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हाउ कैन सॉल्व, देखो देखते चलो, सबसे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 4 हो जाएगा, यहाँ 9 × 4 हो जाएगा, -3 × 9 कर लेते हैं, यहाँ 4 × 9 कर लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या हो गया ये, इट इज -2/5 एंड प्लस 4 4 16 9 4 36 एंड -27/36, तो -2/5 प्लस, यहां देख लीजिए जरा क्या होगा, माइनस करना है, तो 7 - 6 दैट इज द 1 एंड हियर इज द 2 - 1 दैट इज द 1 एंड इट इज द -36। अब इसको माइनस है ये, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो 5 × 36 ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, इट इज 11/36 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये, इट इज द 72/180 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 55/180। अब इसको ऐड कर देंगे तो नीचे तो 180 रह जाएगा और ऊपर जो बच जाएगा 127/180। This side and this side both are equal, so you can say left hand side is equal to right hand side, hence verified. इसमें क्या करना था, show करना था, तो proved हो गया ये, and the property, the name of the property, that is the associative property, associative property. ध्यान रखना ये property कौन सी used हुई है, associative property हुई है, so that is the answer is correct. Now come to the question simplified to this one. So you can simplify first one. It is 3/7 plus 4/9 and plus -6/11. सबसे पहले हम इनको चालू करेंगे सॉल्व करना, दोनों के डिनोमिनेटर सही करिए, इक्वल कर लेते हैं, तो 3 × इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं प्लस 4 इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और ये प्लस करके हम इसको अलग रखते हैं, ये माइनस का 6/11 हो जाएगा, सो 3 9 27 एंड इट इज 63 प्लस 4 7 28 एंड इट इज 63 एंड -6/11। अब ये दोनों सेम हो गए बेस, इट इज 60 36 नॉट
इट इज द 63 नॉट 36, यू हैव टू कल, इसको सही करेंगे आप लोग। चलिए देखें, नाउ दोनों को ऐड कर दो ऊपर से, 8 और 7 15 1 एंड हियर इज 3 नी 2 टू 4 एंड 1 5 अपॉन 63 प्लस, इसको अभी 63 है तो ये आपका माइनस कितना है, 6 अपॉन 7 है, तो इसको पहले माइनस करके 6 अपॉन 11 करेंगे, इट इज माइनस 6 अपॉन 11। तो नाउ कम टू द, इसको डिनोमिनेटर को सेम करना है, 55 अपॉन 63 है, इट इज मल्टीप्लाई बाय 11 एंड इट इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 6, ये 63 से मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू 63। चलो मल्टीप्लाई करके देखो, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और 5 60 एंड हियर इज 11 3 जा 33 और 11 6 जा 66 एंड 3 दैट इज द 69 माइनस 6 3 जा 18 एंड 6 6 जा 36 एंड इट इज 37 अपॉन 693। अब ये माइनस करना है, माइनस करके जरा यहां देखते हैं कितना आएगा, 605 में से किसको माइनस करना है, 378 को, कितना बच जाएगा देखो यहाँ पे, 515 में से 8 गए 7 और यहाँ 9 बच गया, 9 माइनस 7 दैट इज द 2 एंड हियर इज द 5 5 माइनस 3 दैट इज द 2 सो 227। सो यू हैव टू राइट हियर, इट विल बी इक्वल टू 227 अपॉन 693, सो दैट विल बी योर आंसर। Now simplified to this one, so you can say it is minus 1 upon 6, minus 2 upon 3 and plus minus 1 upon 3, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले माइनस का 1 upon 6 into 3 कर लोगे, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 3 into 6 और आउटसाइड में माइनस 1 बाय 3 इज वेटिंग। नाउ हियर माइनस 3 अपॉन 6 3 जा 18 एंड माइनस दैट इज द 2 6 जा 12 अपॉन 18 एंड दस माइनस 1 अपॉन 3। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया इसका, अब क्या करना है, इसको ऊपर ऐड कर देंगे तो माइनस का इट इज 15 अपॉन 18, 12 और 3 कितना हो जाएगा दैट इज द 15 एंड माइनस 1 अपॉन 3 है ये, इसका भी डिनोमिनेटर सही कर लेते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये माइनस 15 अपॉन 18 और माइनस का 6 अपॉन 18 सो कितना हो गया ये एलसीएम, इसका ये 18 तो रहेगा ही रहेगा और ये माइनस का 15 और ये माइनस का 6 कितना हो गया दैट इज द 20 ऑफ 1 एंड 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा सो माइनस का 7 अपॉन 6 इज योर आंसर। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट सो यू कैन सॉल्व इट, इट इज 5 अपॉन 14 प्लस 2 अपॉन 7 विद माइनस साइन एंड प्लस माइनस 3 अपॉन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर इज इक्वल करने हमें, तो 5 अपॉन 14 इसकी तो जरूरत, ये माइनस यहां आ जाएगा, 2 अपॉन 7 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल हो जाएंगे, ये बाद में देखेंगे इसको सही करके, माइनस का 3 अपॉन 2 है, ये कितना हो गया 5 अपॉन 14 माइनस ये हो गया 4 अपॉन 14, ये एक ब्रैकेट में रखना हमें पहले, फिर दूसरे ब्रैकेट को बाद में लेंगे। चलिए देखते हैं इसको, ये हो गया 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 14 माइनस 3, इसको 14 को भी इक्वल करना है यहां पर भी, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, सो वी कैन राइट 1 अपॉन 14 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन 14, माइनस का 21 है प्लस का 1 है सो वी गेट माइनस 20 अपॉन 14 सो 2 7 जा एंड 2 10 जा सो वी गेट माइनस 10 अपॉन 7 इज योर आंसर। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड विद माइनस 7 अपॉन 12 सो दैट द सम इज 0 सो लेट एक्स विल बी एडेड so you have to write x plus minus 7 upon 12 it becomes 0 so that is x equal to 7 upon 12 that is the answer that is the additive inverse so you can write it is additive inverse now come to the this one fill in the blanks
एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5/7 दैट इज द 5/7 इसको एड करने पे ये जीरो आ जाना चाहिए. सो यू कैन से बोथ आर द एडिटिव इनवर्स सो योर आंसर इज जीरो. हेयर इज द जीरो आइडेंटिटी इट इज द 39/51 विल बी सेम नो चेंज. एडिटिव इनवर्स ऑफ 42/17 सो यू कैन राइट -42/17 इज योर आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सो यू कैन सी हियर दैट इज द 7th क्वेश्चन. द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू सम रूल्स. राइट द एप्रोप्रिएटिव प्रॉपर्टी यूज दैट इज यूज इन द ईच ब्लैंक. सो यू कैन राइट हियर इट इज 13/15 प्लस 4/8 एंड इट इज द 4/8 प्लस 13/15. इसमें क्या हुआ है, चेंज हो गया इसका ऑर्डर. सो यू कैन से यू कैन सी द प्रॉपर्टी इट इज कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी. सो यू हैव टू राइट इट इज कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्योंकि इसका ग्रुप चेंज हो रहा है. देखो यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ हियर इज द एडिटिव आइडेंटिटी. यू कैन से एडिटिव आइडेंटिटी इट इज योर एडिटिव आइडेंटिटी एंड इट इज योर एडिटिव इनवर्स. सो यू कैन से एडिटिव इनवर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस. सो यू हैव टू राइट 3/8 - 1/4. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेंज द डिनोमिनेटर विल बी सेम. सो 3/8 - इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. सो 3/8 - 2/8 सो इट इज द 1/8 विद योर आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट. सो कम टू दिस वन एग्जाम्पल 3rd. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस. सो यू कैन राइट 5/6 - 7/12. सो डिनोमिनेटर को सेम करना है सो मल्टीप्लाई बाय 2. सो 6 × 2 हियर इज -7/12. सो 5 × 10/12 - 7/12 सो इट बिकम्स 3/12. 10 - 7 दैट इज द 3 एंड 3 × 1 = 3 3 × 4 = 12 सो वी हैव टू राइट 1/4 एज एन आंसर. नाउ कम टू द एग्जाम्पल 4. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस. सो यू कैन राइट हियर 4/9 - -3/9. सो इट बिकम्स 4/9 + 3/9. ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा. सो 4 and 3 दैट इज द 7/9 एंड दैट विल बी योर आंसर. नाउ कम टू द एग्जाम्पल 5. वर्ड्स वुड बी एडेड टू दिस सो दैट द सम इज दिस वन. सो लेट एक्स विल बी एडेड. सो यू हैव टू राइट x + 3/5 = 2/3. सो एक्स विल बी इक्वल टू 2/3 - 3/5. चेंज देयर डिनोमिनेटर सेम. सो 2 × 5 and 3 × 5 - 3 × 3 and 5 × 3. नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया. सो 10/15 - -9/15. सो वी हैव टू राइट ओनली 1/15 एंड दैट विल बी योर आंसर. Now come to the next question. Example 6. That means the words would be subtracted from this to get this one. So you can say let x should be subtracted. So 11/13 - x will be 5/26. So that means 11/13 - 5/26 is equal to x. X को right hand side में लिख लो और इसको फिर से 11/13 - 5/26 कर लो. So इसके दोनों denominators equal करने हैं तो 2 से multiply करना पड़ेगा. So 2 से multiply करते ही equal हो जाएगा. So it is the 22/26 - 5/26. 22 में से 5 minus करेंगे तो 17 बच जाएगा. और दैट इज द 26 एंड इट इज योर आंसर. नाउ कम टू द एग्जाम्पल 7. सिंप्लीफाई ओनली. सो इट इज द 1/4. सो इट इज 1/4 -
माइनस 5/9 एंड माइनस 7/12। सो माइनस यहां पर भी है तो माइनस इसको प्लस कर देगा, पहले इसको यहीं रखिए, ये माइनस है ये भी माइनस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेंज द साइन, इट इज द माइनस 5/9 एंड माइनस माइनस प्लस 7/12। तो ब्रैकेट ले लेते हैं, पहले इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सो इट इज मल्टीप्लाई बाई 9, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, और माइनस का 5 है इसमें कितने से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 9 × 4 प्लस 7/12, सो इट बिकम्स 9/36 माइनस 20/36। यहां पर भी हमें 36 लाना ही पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें भी, जिससे 36 आ जाएगा। तो ये 9 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस का 11/36, और ये कितना बच गया, इट इज द 21/36। तो 21 में से 11 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, वी गेट ओनली 10, सो 10/36। सो 2 × 1 = 2 एंड 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 16, सो वी गेट ओनली 5/18 एज योर आंसर। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 18.2। नाउ सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द सेकेंड रेशनल नंबर, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। सो यू कैन राइट हियर 3/4 माइनस 4/5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेंज द डिनोमिनेटर एट द सेम, सो 3 × 5 एंड 4 × 5, हियर माइनस 4 × 4 एंड हियर इज 5 × 4। देखो दोनों सेम हो गए, इट इज द 15/20 एंड माइनस 16/20, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये बच जाएगा माइनस का 1/20। सो दैट इज द आंसर, क्योंकि 16 माइनस माइनस का 16 है प्लस का 15 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। यहां क्या करना है, 1/4 माइनस 1/8 करना है। क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना था, यस, तो माइनस करना है, तो ये माइनस तो हो ही गया, लेकिन माइनस का 1/8 और है, तो 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8। पहले इसका डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहां, सो 1/8, सो इट बिकम 2/8 और ये 1/8 है, ये 2 और 1 3 हो गया, सो 3/8 इज योर आंसर। नाउ कम टू दिस वन, फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द सेकेंड रेशनल नंबर, मतलब ये माइनस का 5/12 है, इसमें माइनस करना है कितना, 13/24। सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो माइनस 5 × 2 और 12 × 2 डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 13/24, सो इट बिकम्स माइनस 10/24 एंड माइनस 13/24, दोनों माइनस हैं ऐड हो जाएंगे, तो इट बिकम्स 23/24 विद माइनस साइन एंड दैट इज योर आंसर। इसमें भी देखिए माइनस 8/13 है, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस 7/13, सो दैट इज माइनस 8/13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7/13, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का 7, तो 1 बचेगा माइनस का, और माइनस 1/13 इज योर आंसर। नाउ कम टू दिस वन, सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने हैं, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहले इनके सबके डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे, तो कुछ के तो इक्वल है, सो 2/9 प्लस 1/3 है, सो यू कैन मल्टीप्लाई बाई 3, सो 3 × 3 एंड हियर इज द 5/9, सो इट बिकम्स 2/9 प्लस 3/9 एंड माइनस 5/9, सो इट बिकम्स 5/9 एंड माइनस 5/9, बोथ आर सेम, सो दैट इज द 0, सो दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू दिस वन, इसमें भी पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे हमें, सो 1/5 है तो पहले 2 ले लेते हैं हम लोग, माइनस का 3/7 है, इस पेयर को पहले सॉल्व करेंगे, प्लस 1/2, इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें यहां पे, माइनस का 3 इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, और प्लस का 1/2, हियर इज 7/ कितना हो जाएगा, 35 माइनस 15/35 एंड प्लस 1/2। नाउ यू कैन ऐड देम, सो इट इज द माइनस 8/35, ये 15 में से क्या करना है, 7 माइनस हो गया, तो माइनस का बच जाएगा, और प्लस का 1/2 है, तो अब जो है डिनोमिनेटर फिर सेम करने पड़ेंगे, तो 8 × 2 करना पड़ेगा, 35 × 2 माइनस प्लस है ये,
वन अपॉन टू है तो नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 35 से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 16/17 एंड हियर इज 35/70, तो माइनस कर दीजिए तो 15 - 6 दैट इज द 9 एंड हियर इज 2 - 1 दैट इज द 1, सो -19/20 इज योर आंसर। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेंज इन टू ग्रुप, सो 1/12 + 3/5 इसको फर्स्ट ग्रुप में ले लेते हैं, 6 आउटसाइड पर लेते हैं। पहले डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 12 × 5 एंड हेयर प्लस का 3 है सो 3 इज मल्टीप्लाई बाई 12, हेयर इज 5 × 12, अब कितना हो जाएगा ये माइनस का 6 हो जाएगा, सो इट इज द -5/12 = 5 = 60 एंड प्लस 12 × 3 = 36/60 एंड हेयर इज द माइनस का 6 ओनली। नाउ यू कैन से हेयर 36 में से 5 माइनस कर दो, सो 31 बच जाएगा अपॉन 60 माइनस, इसमें भी नीचे 60 लाना है, 1 है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो इट बिकम्स 31/60 माइनस 6 × 6 = 36, 360/60, अब 360 में से 31 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये 0 × 10 - 1 दैट इज द माइनस, इट इज 9 एंड हियर इज द 6, 5 हो गया, 5 - 3 दैट इज द 2 एंड हियर इज 3 एज सच, सो इट इज द 329/60 इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the question number 3, what should be added to 3/8 so that the sum is 11/12, so let x should be added, so you can say that is the x plus 3/8 will be equal to 11/12, so x will be equal to 11/12 minus 3/8, now change the denominator in same, so 11/12 it is multiplied by 3 multiply by 2 not 3, so it is into 2, so it is the 22/24 minus and it is multiplied by 3, so 3 × 3 and 8 × 3, so it is 9/24, so both are same, so 22 - 9 kitna ho jayega 22 - 9 it is 13/24 is your answer। Now fourth, what should be subtracted from this so that the difference is 19/25, so let x should be subtracted, so 13/25 minus x is equal to 19/25, so you can say 13/25 minus ka 19/25 is equal to x, so you can say x equal to 13/25 minus 19/25, base are same so you can subtract this, so minus karenge to minus ka 6 aa jayega, 19 aur ye 13 hai, 6 bachega niche 25 aa jayega and that will be your answer। Now come to the क्वेश्चन नंबर 5, राइट द ट्रू और फॉल्स एंड गिव द राइट स्टेटमेंट फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3, इट इज नॉट, इट इज रॉन्ग, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, सो यू कैन राइट इज -3/5 है तो प्लस का 3/5 हो जाएगा, सो राइट स्टेटमेंट, सो इट इज द 4/5 - 7/9, सो 7/9 -4/5, it is not correct, it is false, so statement you can say that is the 4/5 + 7/9 is equal to 7/9 + 4/5, so that statement is correct, the value of a number does not change after subtracting 0 from it, the value of a number does not change after subtracting 0 from it, ये true है हमारा statement, subtraction of rational number means the addition of additive inverse of that number, it is also a true statement। Now come to the example 8,
मल्टीप्लाई 3/4 एंड 7/14 एंड राइट द वैल्यू. सो 3/4 इंटू 7/16. सो हाउ कैन मल्टीप्लाई दिस वन. मल्टीप्लाई 3/4 एंड 7/16 एंड राइट द वैल्यू. यू कैन राइट दिस वन. सो 7 3 जा 21 एंड 16 4 जा 64 एंड दैट वन इज योर आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 9. मल्टीप्लाई दिस एंड दिस एंड राइट द वैल्यू. सो -5/7 मल्टीप्लाई बाई 13/17. सो यू कैन मल्टीप्लाई. सो 13 5 जा 65 अपॉन दिस वन 7 7 जा 49 9 हो गया. 7 1 जा 4 11. सो दैट वन इज द आंसर. नाउ कम टू द एग्जाम्पल 10. मल्टीप्लाई टू दिस एंड दिस राइट द वैल्यू. सो इट इज द -9/11 इंटू 22/27. सो 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा 27. 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा. सो इट बिकम्स -2/3. दैट इज योर आंसर. नाउ एग्जाम्पल 11. सो यू कैन सी हियर मल्टीप्लाई दिस दिस एंड दिस. सो दैट इज द 2/3 इंटू -6/7 इंटू 8/15. सो यू कैन सी हियर. सो दैट इज द 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. नाउ वट विल बी हैपन. इट इज द 2/1 इंटू -2/7 इंटू 8/15. सो इट बिकम्स -2 2 जा 4 एंड 4 8 जा 32 एंड 15 7 जा 7 5 जा 35 एंड 7 1 जा 7 एंड 3 दैट इज द 10. सो दैट इज द -32/105. दैट वन इज योर आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इट इज द एग्जाम्पल 12. सिंप्लीफाई दिस वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सिंप्लीफाई. 2/5 इंटू 3/4 प्लस 1/7. हाउ कैन सिंप्लीफाई 2/5. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द डिनोमिनेटर इन इक्वल पार्ट. सो इट इज द 3 इंटू 7. सो 4 इंटू 7 प्लस हेयर इज क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 4. सो यू कैन से हेयर 2/5 इंटू कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 एंड इट इज 28 प्लस 4 1 जा 4/28. सो 2/5 इंटू 21 एंड दिस वन 5 इज 25/28. सो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा. सो वी गेट ओनली 5/14 एज योर आंसर. सो यू कैन सी दिस वन द एग्जाम्पल 14. वॉट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ p/q. सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, p/q = -p/q. दैट इज द आंसर. यू कैन चेंज ओनली द साइन. नाउ द एक्सरसाइज 18.3 यू कैन से एंड सॉल्व. And substitute the value of given below and check this p/q (r/s) = r/s (p/q). So value of p/q is given and r/s is given. So first of all we can say that p/q (r/s). This is r/s. Now put the value in both cases. So p/q is -3/7 and here is the r/s, that is the 11/15. So you can see here minus ka 33/5 7 ja 35, it is a 105. So that one is your answer. Otherwise you can change 3 1 ja 3 3 1 ja 3 and 3 3 ja 9 3 5 ja 15. So it becomes -11/35. And here and now r/s (p/q). Now change the value. So it is the r/s is given as 11/15 and it is the -3/7. So 3 1 ja 3 and 3 5 ja 15. So it becomes -11/35. Both are same. You can say, so you can write here left hand side is equal to right hand side, RHS. You can write here. Now come to this one.
सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पी अपॉन क्यू इज गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी अपॉन क्यू इंटू आर अपॉन एस. नाउ पी अपॉन क्यू इज गिवन एज 2, यू कैन सी हियर आर अपॉन एस इज गिवन एज 13/17. सो 13 इंटू 2 जा दैट इज 26/17. नाउ राइट हैंड साइड आर अपॉन एस इंटू पी अपॉन क्यू, यू कैन सी हियर R upon S is given as 13/17 and P upon Q is 2. So it is the 26/17. So both are same. So that is the left hand side is equal to right hand side. ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये वेरीफाई हो गया, आपका चेक हो गया, दिस वन इज करेक्ट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, P upon Q is given as this one and R upon S is given as. So we can write here P upon Q is equal to P upon Q इंटू पी अपॉन क्यू इंटू आर अपॉन एस. इसके लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने इधर वाली, कितना हो जाएगा ये, सो पुट द वैल्यू, सो माइनस का 105/5/13 एंड हियर इज द -5/8. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई टू दिस वन, सो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये, 5/5 = 25 एंड 5/1 = 5 एंड हियर इज द 8/3 = 24, सो 4 इज हियर एंड कैरीज 2, सो 8/1 = 8 एंड 2 दैट इज द 10, सो 104, सो दैट वन इज दिस हियर एंड यू कैन से हियर आर अपॉन एस इंटू पी अपॉन क्यू, पुट द वैल्यू, आर अपॉन एस इज -5/8 इंटू -105/13, सो यू कैन मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें, और फिर मल्टीप्लाई करनी है तो 5 to 5 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 104, बोथ आर सेम, सो आवर स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो यू हैव टू राइट लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पी अपॉन क्यू इंटू आर अपॉन एस फाइंड करना है. पी अपॉन क्यू कितना है, -16/3 है और आर अपॉन एस 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0 हो जाएगा. यहाँ क्या लेना है, अब R अपॉन S है इंटू पी अपॉन क्यू है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, R अपॉन S कितना दिया है 0 एंड इट इज गिवन एज -16/3, सो इट बिकम्स आल्सो 0. सो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस पोर्शन, ये पूरा का पूरा वेरीफाई हो जाता है. नाउ कम टू दिस वन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सेकेंड सब्स्टिट्यूट एक्स वाई एंड जेड एंड चेक वेदर दिस वन इज करेक्ट और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन यू कैन राइट हियर एक्स इंटू वाई प्लस जेड, इसको सॉल्व करना है हमें. एक्स इज गिवन एज -1/2 एंड इट इज इंटू वाई प्लस जेड, वाई इज 5/7 एंड जेड इज -7/4, तो -1/2 इंटू इट इज द 5 × 7, नॉट 7 इट इज 4 एंड 7 × 4 -7 × 7 एंड 4 × 7, ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कर रहे हैं. सो माइनस का 1/2 है, कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20 एंड इट इज 28, -7 × 7 = 49 और 28, डिनोमिनेटर सेम हो गया. तो माइनस का 1/2 है, इसको चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का इट इज 29/28 हो जाएगा, सो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 29/ इसकी मल्टीप्लाई करो, सो 2 × 8 = 16 एंड 2 × 2 = 4 एंड 1 = 5. अब यहाँ पे दूसरे वाले को चेक करना है, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज -1/2 and z is 5/7 and here is the plus x is -1/2 and z is equal to -7/4. So first of all denominator same karna hai, pehle isko multiply kar lete hain, to minus ka ho gaya 5/14 और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज द 7/8. सो मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को चेक करना है कि इक्वल हो जाए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइव को मल्टीप्लाई कितना करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 7/8 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें कितने से,
7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए देखते हैं कैसे होगा। माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 14 4 56 एंड प्लस इट इज 49/56, सो इट बिकम्स प्लस 29/56। 49 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका 29/46। दैट मींस कि ये दोनों के दोनों करेक्ट है। सो यू कैन राइट द एक्स इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एंड हैंस प्रूव्ड। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में देखो क्या होना है, इसी में ही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, तो एक्स इंटू वाई प्लस जेड, पुट द वैल्यू, एक्स इज गिवन एज 3/2 एंड वाई इज हाउ मच, इट इज -8/5 एंड प्लस 17/6। चलिए इसको सॉल्व करना है, 3/2 हो गया इंटू, पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, तो माइनस का 8 × 5 कर दो, यहां 5 × 5, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, बच्चों ध्यान रखना जरा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और यहाँ 17 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेम हो जाएंगे। सो दैट इज द 3/2 इंटू, एंड यू कैन से इट इज -48 एंड इट इज 30 एंड प्लस 5 × 7 = 35, तो 5 × 3 = 5, 1 = 5 एंड 3 = 8 एंड दैट इज 30। सो 3/2 इंटू, यू कैन सी हियर इट इज 48 और ये 85, जरा माइनस करके देखें इसको, 85 में से 48 माइनस करिए, सो 15 - 8 दैट इज द 7 एंड हियर इज द 7 - 4 दैट इज द 3 दैट इज 37। सो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 10 = 10, so we can say it is 37/20, so that one is your left hand side. Now come to the right hand side, so x into y and plus x into z, put the value, x is given as 3/2 and y is given as -8/5 and plus x is 3/2 and z is given as 17/6, -8 × 3 = 24 एंड 5 × 10 एंड प्लस 17 × 3 = 51 एंड 7 × 6 = 42। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन सी हियर इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, हाउ कैन सो, सो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6, सो वी कैन से 17/4। Now you can hear 2 × 5 = 10 and here is the 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4. So it becomes -12/5 and here is the 17/4. Now you can multiply here. So 12/5 it is multiplied by 4 and plus 17/4 it is multiplied by 5. So it becomes -12/4 = 48/20 and plus and 17/5 = 85/20, so it becomes -37/20, so both are same, so you have to write here x into y plus z is equal to x into y plus x into z, hence proved. Now come to the third part of this question, x is given as 1 and y is this and z is 0. So first of all x into y plus z, now calculate it, x is given as 1 and 1 into y is given as 9/5 and z is 0. So that is the x is 1, so 1 into it becomes 9/5, so it becomes 9/5. Now the x into y plus x into z. Now put the value x into y, that is x is 1, y is how much? It is 9/5. X is 1 and z is 0. So that one is the 9/5, that is 0 and it is 9/5. Both are same, you can see here. So you can write x into
वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो इट इज द 3/2/3 इंटू 4, सो 4 × 2/3, यू हैव टू राइट दिस वन। 11/19, सो हियर इज द 1/2 एंड हियर इज द 11/19। यहां पे देखो क्या 7/19, सो यू हैव टू राइट 7/19 एंड माइनस का 3/17। ये कंप्लीट हो गया आपका, केवल ऑर्डर चेंज होता है इसके अंदर। सो दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स एंड द 14 यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फिल द ब्लैंक्स। यहां पर केवल ग्रुप चेंज होता है, सो ये दो ग्रुप पहले ले लिए तो ये सेकंड वाला लास्ट वाला बचा रह गया, सो यू कैन राइट हियर 2/9। यहां देखिए तीन ग्रुप हैं, तीन ग्रुप में से दो छूट गए, लास्ट वाला यहां लिखा है, तो यहां दोनों लिखने पड़ेंगे, तो -1/8 हो गया और -2/5 हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या है, ये ऑर्डर चेंज करना है इसमें, तो यहां हो जाएगा 4/7, यहां माइनस का 25/3 और 1/5 अलग हो जाएगा। दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो रिलेटिव द प्रॉपर्टी, राइट द प्रॉपर्टी इन द ब्लैंक अगेंस्ट ईच। सो दैट वन इज द दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यू कैन राइट हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यू कैन से इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। And here is, you can see here, it is the change the order. So, in order, that is the commutative property. And here is the multiplicative inverse. Now, here you can see, it is multiplicative identity, multiplicative identity. So these are the answer of your. Now the question is that the reciprocal of the following. सबके reciprocal निकालना है. First of all, you can write the reciprocal of 4 is 1/4. Second, reciprocal of 17/5 is 5/17. Now, third one is reciprocal of -6/29 is -29/6. And the fourth one, you can write the reciprocal of P/Q is Q/P. So these are the answers. So you can write very well. Now come to the question number 7. Write the true or false statement. The product of a rational number is its reciprocal is 1. The product of a rational number and its reciprocal is 1. Yes, it is the true. Now, if the reciprocal of x is y, the reciprocal of y is 1/x. Wrong has, if the reciprocal of x is y, then the reciprocal of y is x. So, that is the wrong. So, that is the false statement. Now, the multiplicative inverse of a positive rational number is a negative rational number. Multiplicative inverse of a positive rational number is a negative rational number. This statement is the false statement. Now, 0 is not the multiplicative inverse of any number. 0 is not the multiplicative inverse of any number. So, that is the true. Now, come to the exercise 18.4. Divide this one by this one. So, you can see
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिवाइड 1/6 / 3/4. सो 1/6 डिवाइडेड बाई 3/4. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेंज वन, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा. सो कितना हो जाएगा, ये 2 1 2 and 2 3 6. सो यू कैन राइट 1/3 × 2. सो द आंसर इज 2/3. दैट वन इज योर आंसर. नॉट 2/3 है यहाँ पे. सो यू कैन से 2/3. तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/9 हो जाएगा. यहाँ थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करेंगे आप लोग, 2/9 हो जाएगा. सो दैट इज योर आंसर. नाउ कम टू दिस वन, -8/11 इज डिवाइडेड बाई 5/9. सो -8/11 मल्टीप्लाई 9/5 हो जाएगा. सो यू कैन से दिस वन इज द -8 × 9 = 72 एंड 11 × 5 = 55 एंड दैट वन इज योर आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, -9/4/7. सो यू कैन से -9 × 7/4. सो -9 × 7 = 63/4 इज योर आंसर. नाउ कम टू दिस वन, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वन, -102. सो माइनस दैट इज द फोर्थ पार्ट. -102/38 इज डिवाइडेड बाई -17/19. सो -102/38 मल्टीप्लाइड बाई 19/-17. सो -- कैंसल आउट एंड 17 6 = 19 1 = एंड 19 2 = 2 1 = 2 2 3 = 6. सो दैट आंसर इज 3. सो यू कैन राइट हियर 3. नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस वन, 6/15 इज डिवाइडेड बाई 8/-35. सो यू कैन राइट 6/15 मल्टीप्लाई बाई -35/8. सो 2 3 = 6 and 2 4 = 8. नाउ वंस अगेन 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5 5 7 = 14. सो दैट बिकम्स -7/4 इज योर आंसर. नाउ कम टू दिस वन, इट इज -60/9 डिवाइडेड बाई -10. सो वी कैन से -60/9 मल्टीप्लाई बाई 1/-10. सो माइनस कैंसल टू माइनस, 0 cancel to 0 एंड 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9. सो वी गेट 2/3 एज योर आंसर. नाउ कम टू द सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन एंड हियर इज द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज 4/5 डिवाइडेड बाय -1. सो इट इज द 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/-1. सो यू कैन से हियर 4/5 विद माइनस साइन इज योर आंसर. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द 95/16 डिवाइडेड बाई 8/19. सो यू कैन से 95/16 मल्टीप्लाई बाई 19/8. सो यू कैन डू समथिंग, देयर इज नो कटिंग. सो यू कैन मल्टीप्लाई टू ईच अदर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मल्टीप्लाई 95 × 9. हाउ कैन मल्टीप्लाई 19 × 9? इट इज 101805 एंड 16 to 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज द 128. सो यू हैव टू राइट 128 एज योर आंसर. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द -7/8 डिवाइडेड बाई -2/15. सो हाउ कैन से इट इज द 7/8 मल्टीप्लाई बाई -15/2. फर्स्ट ऑफ ऑल -- विल बी कैंसल आउट एंड हेयर इज द 7 की मल्टीप्लाई 15 से करना है. इट इज द 105 एंड हेयर इज द 8 2 = 16 एंड दैट वन इज योर आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज द 21/5 डिवाइडेड बाई 7/-5. सो वट विल बी हैपन, इट इज 21/5
into minus 5 upon 7. So, 5 1 is 5 and 5 1 is 5 and 7 1 is 7 and 7 3 is 21. So, it becomes 3 into minus 1. So, that is the minus 3 is your answer. Now, the fifth part of this question, minus 6 upon 7 divided by minus 15. So, minus 6 upon 7 multiply by 1 upon minus 15. Minus cancel to minus. 3, 2 ja and 3, 5 ja. So, we get only 2 upon 7 into 1 upon 5. So, that is the 2 upon 35. 7, 5 ja, 35 and that is your answer. Now, come to the sixth part of this question. That is the minus 7 divided by minus 5. You can multiply and you can write the 1 upon minus 5. So, that one is the minus cancel to this minus. So, 7 upon 5 is your answer. So, you have to write this one. Now, come to the question number 3. The product of two number is 12. If one number is 3 by 5, find the second number. So, you can write the second number. You can write the second number is equal to product of two number and divided by first number. Now, product is given as 12 and divided by it is 3 by 5. So, you can write here 12 into 5 by 3. So, 3 1 ja 3, 3 4 ja 12. So, 4 5 ja that is the 20 is your answer. Now, come to the next. That is the question number 4. Which number is multiplied by minus 9 by 5 give the product? So, product is given as multiplied to this, that is the second number. Now, the find the number. So, first number, which number is multiplied by minus 9 by 5? So, find the second number. Second number is equal to product of two number divided by first number. Now, put the value, product is given as minus 11. So, minus 11 divided by minus 9 by 5. So, we can say minus 11 multiply by 5 upon 9 with minus sign. So, minus cancel to minus. It is the 11 5 the 55 and upon 9 is your answer. Now, come to the fifth question. What should be multiplied by this so that the product is multiplicative inverse of this? What should be multiplied to this so that the product is multiplicative inverse of this? So, first of all, product is equal to multiplicative of 3 upon 7. So, multiplicative of 3 upon 7, do you know? Multiplicative inverse. That is the 7 upon 3. So, that is the product. And the first number, it is given here. The first number is given here. So, first number, it is the minus 28 upon 39. Find the second number. Second number is equal to product of two number divided by first number. Yes, product of two number is given as 3 by 7 and divided by this one minus 28 upon 39. So, you can say 3 upon 7 multiply by 39 upon minus 28. So, multiply kar do, minus ka 3, 9 ja 27, 7. And 3, 3 ja 9 and 2, 11. Here, 7, 8 ja 56, 6 and 19. So, that is your answer. You can write here. Now, come to the sixth question. There are 540 students in a school.
out of 5 upon 9 are boys. How many girls are in school? So, total number of students, you can write here total students. It is given as 540. Out of them, 5 upon 9 are boys. So, number of boys. Number of boys. So, it is the, you can say, it is the 5 upon 9 of 540. So, you can see here 5 upon 9 into 540. So, 9 6 is 54 and 5 6 is 30. So, 300. Number of boys are 300. So, number of girls you can find here. Number of girls is equal to total students. Minus number of boys. So, total students is given as 540 and minus 300. So, you can subtract this. It is 40 and 5 minus 3, that is the 2. So, number of girls, you can write here, number of girls is equal to 240 and that is your answer. Now, come to the example 5. Write 5 rational number between 1 upon 8 and 1 upon 2. So, first of all, 1 upon 8 and 1 upon 2. Iske rational number niche wale sahi karne hain. So, you can multiply by 1. And you can multiply here, it is by 4. So, it becomes how much? 1 by 8 and it becomes 4 by 8. And how many number? 5 rational number hai. To ab kya karna? 5 mein 1 add kar dijiye. To add karne pe hume kitna mil jayega? 5 mein 1 add karenge 6. To 6 se multiply karni hai yahan pe. Idhar bhi 6 se hi multiply karni hai. To kitna a jayega? 6 upon 48. Nahi. 48. Aur yahan kitna ho jayega? You can multiply here. That is the 6, 4 is 20. 4 upon 48. यहां पर आपको क्या करना है, नंबर लिखने पड़ेंगे. 5 तक का नंबर लिख लीजिए. ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया. अब इसमें 1 ऐड करना चालू कर दो. ये 7 upon 48, 8 upon 48 and 9 upon 48 and 10 upon 48 and 11 upon 48. So, that will be your answer. Now, come to the next example 6. Write the 3 rational number between this one. So, you can write here minus 7 upon 3 and here is the 5 upon 8. So, first rational number, how can find this one? With the help of the rules. Yes, with the rule, how can find this one? First of all, you can write the 1 by 2 and this is the plus 5 by 8. Now, do this one 1 by 2. First of, change into the same denominator. So, minus 7 multiply by 8 and here is 3 into multiply by 8 plus 5 multiply by 3 and 8 multiply by 3. So, we get here, it is 1 by 2. And here is the minus 8 7 jam 56 and 8 3 jar 24 plus 5 3 jar 15 and it is 24. So we get here 1 by 2. Kitna bach jayega dekho isme se. Ye ho gaya 6 minus 5, that is the 1 and here is the 5 minus 1, that is the 4 and minus it is 24. So it becomes minus 41 upon and 2 to the 4, 2 4 jai, 48. So, that's why you can write here 7 upon 3 and here is the minus 41 upon 48 and here is the 5 upon 8. So, that one is the first rational number. अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में भी एक रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा. वो रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, इसको दिखा दे रहा हूं मैं. यहां पर दूसरा रेशनल नंबर यह आ जाएगा 1 by 2 और माइनस का 7 upon 3 एंड प्लस दैट इज द माइनस 41 upon 48. सो यू कैन डू दिस वन 1 upon 2, चेंज देयर
तीन बटा सेम तो सेवन इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, थ्री को 48 आ जाएगा, इट इज मल्टीप्लाई बाय 16, सो वी गेट 1/2 एंड माइनस मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आएगा 16 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, सो इट इज योर 112 एंड यर इज 48 एंड माइनस 41/48, सही कर लो इसको जरा, 1/2 दोनों ऐड हो जाएंगे, 41 41 इसमें ऐड करेंगे कितना जाएगा, इट इज द 153, सो यू हैव टू राइट माइनस 1/53, सो 153/48, सो इट बिकम्स माइनस 153/96, सो यू कैन सी हियर इट इज माइनस 7/3 एंड माइनस 153/96 एंड हियर इज माइनस 41/48। अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना रह गया है, इसके और इसके बीच में, तो इसके लिए यहां निकाल लेते हैं जरा, कितना आएगा, दैट इज द 1/2 एंड माइनस 41/48 एंड प्लस 5/8, तो देख लो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ गया आपका कितना 1/2, इसको पहले डिनोमेटर को सेम करिए, माइनस का 41/58 है एंड प्लस का 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिए, सो 1/2 इट बिकम्स माइनस 41/48 एंड प्लस 30/48, सो माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, देख लो यहाँ पे इट इज द माइनस 11, सो माइनस 11/48 एंड दैट इज द माइनस 11/96, सो यू हैव टू राइट हियर माइनस 11/96 एंड 5/8, सो यू कैन सी हियर दिस वन इज द आंसर, सो यू कैन राइट हियर थ्री रेशनल नंबर, और हाउ मच माइनस का 153/96 एंड माइनस 41/48 एंड माइनस का 11/96, दैट वन इज योर आंसर। नाउ कम टू दिस वन, राइट द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, सो वी कैन राइट हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 एंड हियर इज 1/2, डिनोमेटर पहले सेम करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सेम हो गया, अब क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा और यहाँ 3/6 हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करने हैं, अब जितने नंबर चाहिए उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, सो 2 × 5 में 1 ऐड कर दीजिए, तो 5+1 कितना हो गया, दैट इज 6, 6 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 2 × 6 दैट इज 6 × 6 और यहां पर भी ऐसे ही करना आपको, 3 × 6 एंड 6 × 6, सो वी कैन से इट इज 12/36 एंड हियर इज 18/36, अब इसके बाद अलग से लिखना चालू करेंगे, सो यू कैन राइट द फाइव रेशनल नंबर, सो यू हैव टू राइट फाइव रेशनल नंबर्स, ये इजी मेथड पड़ता है, तो 12 के बाद शुरू कर देंगे, 12 के बाद आता है 13/36, फिर 14/36, फिर 15/36, फिर 16/36, 1, 2, 3, 4 हो गया और एक और रह गया 17/36, जब नेक्स्ट करेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, सो दैट इज द वेरी इजी मेथड टू डू, इस मेथड से ही करेंगे, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट मेथड है ये। नाउ कम टू द फोर रेशनल नंबर बिटवीन दिस, सो हाउ कैन फाइंड द फोर रेशनल नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट दिस वन, दैट इज द 1/3 विद माइनस, नॉट माइनस साइन, प्लस है, और माइनस का 2/7, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास, कितना बच गया, इट इज 7/21 एंड इट इज माइनस 5/21, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब इसके बाद जो है आप इसमें एक एक ऐड करके जितने नंबर चाहिए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हाउ कैन से हियर बोथ आर द सेम, माइनस 5 आ गया, तो यू कैन राइट हियर फाइव रेशनल नंबर, फाइव रेशनल
नंबर कितना हो जाएगा, देखो फाइव इतना नंबर फाइव, इसके बाद तो इसके पास पहुंचेंगे तो जीरो तक पहुंचेंगे तो वन से स्टार्ट कर देते हैं, तो वन अपॉन 21, तो टू अपॉन 21, थ्री अपॉन 21, फोर अपॉन 21, और फोर ही चाहिए थे हमें, बहुत हो गया इतने तो, बस सेवन तक जा सकते थे, सिक्स तक, तो इतने ही आंसर बहुत है। तो ये इजी मेथड है, यू कैन सॉल्व दिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द सिक्स नैन नंबर बिटवीन दिस। तो पहले क्या करना है, वन अपॉन सिक्स और यहाँ थ्री अपॉन फोर, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करो, तो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, इसमें सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये माइनस का फोर अपॉन 24, और यहाँ कितना हो गया दैट इज द 18 अपॉन 24। हमें कितना चाहिए सिक्स रेशनल नंबर, अब आप लिख सकते हो सिक्स रेशनल नंबर, देखिए 18 है तो इसमें वन से स्टार्ट कर दीजिए, तो वन अपॉन 24, फिर टू अपॉन 24, थ्री अपॉन 24, कितने चाहिए हमें फोर अपॉन 24 और फाइव अपॉन 24, तो वन टू थ्री फोर फाइव हो गए और सिक्स अपॉन 24 है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये फोर है आपका, नॉट दिस वन इज द फोर, तो यू हैव टू राइट दिस वन, इट इज फोर, इट इज फोर, ऑल आर फोर, 24 है यहाँ पे, ध्यान रखना 24 है ये भी, सो इट इज ऑल्सो 24। यू कैन काउंट दिस वन नंबर, हाउ मेनी नंबर, ये फर्स्ट नंबर आ गया, सेकेंड नंबर आ गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स तक चाहिए, तो यही हमारे पास आंसर हो गया, यू कैन सी। एंड नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, तो 1/10 इज द मल्टीप्लीकेट, 1/10 इज द मिडिल नंबर ऑफ 1/2 एंड दिस वन, हम देख लेते हैं मिडिल नंबर है या नहीं है, तो 1/2 माइनस 1/2 प्लस 3 अपॉन 5, तो इट इज 1/2, इसको चेक कर लीजिए, माइनस का 1 है तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए तब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 1/2 इट इज द माइनस 5 अपॉन 10 एंड इट इज 6 अपॉन 10, सो यू कैन से 1/2 और ये कितना बच जाएगा 1/10 हो जाएगा, तो 1/20 आ जाएगा, सो 1/20 इज द मिडिल नंबर, सो यू कैन से इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ देयर इज नो रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 6/5, सो देयर इज सो मेनी रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं इसके बीच में, सो दैट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ देयर आर ओनली थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 7, इट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट, ऑल आर फॉल्स हियर, सो योर एक्सरसाइज बी फिनिश्ड, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई बच्चों, नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और कम से कम मेरी वीडियो को लाइक तो करेंगे ही बच्चों, जिससे मुझे पता चलता रहे और मैं और अच्छी वीडियो बना करके आपको देता रहा हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।